देख के सारे लोग अचंभित, ये भला कैसी माया है, एक निर्धन ब्राह्मण से मिलने त्रिलोकपति खुद आया है। नंगे पैर ही भागे कृष्णा, हालत कर ली पागुन जैसे लगाया, सुदामा को सीने से अपने गिरते जाया खोसे मोती। देख सुदामा की हालत के शव फूट फूट के रोए हैं, सिंहासन पर बैठा कर उनके चरण आंसू से धोए हैं। तभी पड़ी नजर के शव की, सुदामा कुछ तो छुपा रहे, मित्र को अपने देने भेंट में तीन मुट्ठी चावल जो लाए। 56 भोग खाने वाला राजा, क्यों ही भला हाँ ये खाए, तभी देने में संकोच करे श्री कृष्ण मंद मंद मुस्का। छीन पोटली सुदामा से चावल देख कर बोले कि इस भेंट की तुलना कर न सके कोई भेंट समस्त ब्रह्मांड की। जैसे ही कृष्णा ने चावल का पहला आहार लिया, धरती लोक का सारा सुख सखा सुदामा के नाम दिया। दूसरी मुट्ठी में कान्हा ने स्वर्ग लोक प्रदान किया, तीसरी मुट्ठी खाने चले माँ लक्ष्मी ने हाथ थाम लिया। हे भगवान, क्या अब इनको वैकुंठ धाम भी दे दोगे, अब थम जाओ माधव अपना सिंहासन भी आप खो दोगे। इस मुट्ठी चावल के लिए रुक्मणी ब्रह्मांड का त्याग करूं, उसने अपना सब दिया मुझे, मैं मेरा उसके नाम करूं। सुनकर बातें कृष्ण की ऐसी समस्त देवगण घबराए, ये देख मां रुक्मणी ने चावल छीन के कान्हा से खुद खाए। निस्वार्थ मित्रता देख के आंखें शिव ब्रह्मा की छलक गई, जय हो आपके द्वारकाधीश, आप सजग में कोई नहीं। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।